नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। कभी लाखों में थी बाघों की संख्या, जाने क्यों हुई कम और अब कितनी। 2010 में हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। एक रिपोर्ट में पता चला कि सभी बाघों में से 97% गायब हो गए हैं। वैश्विक परिदृश्य में सिर्फ 2900 बाघ ही जीवित है। तभी से बाघों को बचाने और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। अब इनकी आबादी 13 देशों तक सीमित है, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। दुनिया भर में 4,500 बाघ हैं, जिनमें से 2,967 भारत में पाए जाते हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में बाघों की संख्या 3200 हो गई थी और 2022 में इनकी संख्या 4500 है।